हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सवि का फूटा भयंकर गुस्सा अपनी ही बहन के पति पर, तो वहीं सवि का काली का अवतार देखकर सुरेखा के उड़े होश। जी हां दोस्तों, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां नवरात्रि फंक्शन के दौरान सवि के पास आने वाला है हरनी का कॉल, तो वहीं हरनी की बातें सुनकर सवि अपना कंट्रोल खो बैठेगी और गुस्से में आग बबूला हो जाएगी और डांडिया छोड़कर वहां से चली जाएगी, जहां सुलेखा सवि को जाते हुए देख लेगी और उसके पीछे पीछे चल देगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां सवि जैसे ही किरण को देखेगी उसे हरनी की कही हुई एक एक बात याद आने वाली है, तो वहीं स्टेज पर ड्रामा चल रहा होगा जहां महिषासुर का वध होने ही वाला होगा कि तभी सवि सबके सामने किरण की चेयर पर जोरदार लात मार देगी और जिससे किरण नीचे जमीन पर गिर जाएगा, तो वहीं सवि का भयंकर गुस्सा फूटने वाला है किरण पर और वो उसे बुरी तरह से मारते पीटते और घसीटते हुए ले जाएगी स्टेज पर, जहां सवि का ये रौद्र रूप देखकर किरण भी थर थर कांप रहा होगा और उसे सवि में काली माँ दिख रही होंगी। वेल, अब शो के अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहां किरण अपनी जान बचाने के लिए सवि के पैरों पर गिर जाएगा और उससे माफी मांगते हुए नजर आने वाला है, तो वहीं उस भीड़ में सुलेखा वहीं खड़ी होने वाली है और सुलेखा सवि का ये काली का रूप देखकर खुद भी काफी ज्यादा डरी हुई नजर आने वाली है और ये सोचते हुए नजर आने वाली है कि इस लड़की को मुझे किसी भी हाल में ईशान से दूर रखना ही होगा, अगर गलती से इसकी शादी मेरे ईशान से हो गई तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। तो वहीं दोस्तों, शो का अपकमिंग ट्रैक बेहद ही दिलचस्प होने वाला है जहां वास्तव में हो ही जाएगी सवि और ईशान की शादी और जिसे देखकर लगने वाला है सुरेखा को सबसे बड़ा झटका। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।